बॉबी झा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। मार्च में 8 करोड़ 14 लाख नई नौकरियों का निर्माण। 2018-2019 में 68 करोड़ 59 लाख रोजगार के मौके बने। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का ताजा आंकड़ों के अनुसार संगठित या औपचारिक क्षेत्र में मार्च 2019 में शुद्ध रूप से 8 करोड़ 14 लाख नौकरियों का सृजन हुआ। फरवरी में 7 करोड़ 88 लाख नई नौकरियां मिली थी। वर्ष 2018-2019 में 67 करोड़ 59 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए। नौकरी के आंकड़े कर्मचारियों के ईपीएफओ में अंशदान के विशेषण पर आधारित है। ईपीएफओ अप्रैल 2018 से नौकरी के आंकड़े जारी कर रहा है। इन आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2017 से मार्च 2018 के दौरान ईपीएफओ में कुल मिलाकर 15 करोड़ 52 लाख नए सदस्य जुड़े, जिसमें सितंबर 2017 से शुरू हुई अवधि के आंकड़े शामिल है। संगठित क्षेत्र में शुद्ध रूप से जनवरी महीने में कुल 8 करोड़ 96 लाख लोगों को रोजगार मिला। यह 17 महीने का उच्च स्तर है। ईपीएफओ के कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या और उन्हें दिए जाने वाले वेतन के आंकड़े से यह पता चला है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अप्रैल 2018 से पेरोल आंकड़े जारी कर रहा है। इसमें सितंबर 2017 के आंकड़ों को लिया गया है। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ने मार्च में गवाए 3 करोड़ यूजर्स। जियो ने जोड़े 94 लाख। दूरसंचार नियामक ट्राई ने बताया है कि इस साल मार्च में मुकेश अंबानी की दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो के ग्राहकों की संख्या में 94 लाख का इजाफा हुआ। वहीं इस दौरान एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने संयुक्त रूप से 2.96 करोड़ ग्राहक गवाए। गौरतलब है कि मार्च 2019 तक देश में कुल ग्राहकों की संख्या 116.18 करोड़ थी। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।